वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिल वक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाज़िर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख जरीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू जरीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। जरीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है, और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल जरीन सबा वर्चुअल स्टूडियो पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक के साइंस के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए, और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सब्ज़ तवानाई की तरफ, टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। ये इस किताब का चैप्टर नंबर 5 है, सबक नंबर 5 सब्ज़ तवानाई की तरफ। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा जरीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों, स्कूल्स बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी वसारी रहे, इसलिए हम हर दिन एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होते हैं। जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई पैदावार मरकज़, आज हम देखने जा रहे हैं जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई पैदावार मरकज़ के बारे में। जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई के पैदावारी मरकज़ में भी जनरेटर को घुमाने के लिए भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली एग्जांपल में देखे, जो दो हमने इससे पहले पावर प्लांट्स देखे, उसमें हमने देखे कि वहाँ पर भी भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर भी वैसे ही भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। जौहरी तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई पैदावारी मरकज़ को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम आप लोगों ने सुने होंगे इससे पहले भी, या कुछ इसके ताल्लुक से कुछ मूवीज वगैरह भी आ चुकी हो सकता है, आपने वो देखे होंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके पानी से ऊंचे दर्जे हरारत और ज्यादा दबाव वाली भाप तैयार की जाती है, और इसमें यूरेनियम या प्लेटिनियम जैसी धातु के जौहरी इंशिकाक के जरिए, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उससे हासिल होने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल पानी से ऊंचे दर्ज हरारत और ज़्यादा दबाव वाली भाप तैयार करने के लिए किया जाता है, और भाप की तवानाई से टरबाइन घुमाए जाते हैं। इसकी वजह से जनरेटर घूमते हैं और बरकी तवानाई पैदा होती है। जौहरी बरकी तवानाई मरकज़ की बनावट का खाका यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इससे पहले वाले में हमने देखे कि बतौर ईंधन कोयले का इस्तेमाल था, है ना, उस पावर प्लांट में। यहाँ पर बतौर ईंधन यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और जौहरी भट्टी में जौहरों का इंशिकाक किया जाता है, यानी उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिर पानी से भाप पैदा करने की मशीन, भाप से चलने वाला टरबाइन उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे जनरेटर जुड़ा होता है, और जनरेटर घूमने लगता है, और इस तरह से बरकी तवानाई पैदा होती है। यहाँ पर भी भाप को दोबारा से पानी में तब्दील करने वाली मशीन जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी काफ़ी तरह का इसका स्ट्रक्चर जो हमने पिछला पावर प्लांट देखे लास्ट हमारे वीडियो में, उसकी तरह ही है। सिर्फ यहाँ पर बतौर ईंधन कोयले की बजाय क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर यूरेनियम वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखिए इस तरह के होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और आप लोगों ने हो सकता है कभी और इस तरह के पावर प्लांट्स देखे भी होंगे अपने गांव के अतराफ में, या कभी आप कहीं घूमने गए होंगे तो हो सकता है वहां पे आपने इस तरह के पावर प्लांट्स देखे होंगे।
यानी यहाँ जौहरी तवानाई को पहले हरारती तवानाई में तब्दील किया जाता है, हरारती तवानाई को भाप की तवानाई बिल हरकत में, फिर भाप की तवानाई बिल हरकत को टरबाइन और जनरेटर की तवानाई बिल हरकत में, और आखिर में जनरेटर की तवानाई बिल हरकत को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है। तो यहाँ तवानाई के मुख्तलिफ मरहले बताए गए हैं कि किस तरह मरहला वार जो है तवानाई एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील होती है। तो मरहला वार तवानाई की होने वाली इस तब्दीली को यहाँ नीचे खाके में भी आप देख सकते हो, जौहरी तवानाई हरारती तवानाई में, हरारती तवानाई भाप की तवानाई बिल हरकत में, और फिर उससे टरबाइन में तवानाई बिल हरकत, टरबाइन घूमते हैं और फिर उस तैयार होती है बरकी तवानाई। जौहरी इंशिकाक का अब अमल किस तरह से होता है, ये तो अभी आप लोगों को कोयला वाली चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि कोयला जलकर और बतौर ईंधन उसका इस्तेमाल हुआ और फिर जो है जो भी उसे भाप निकली और टरबाइन घूमे, ये तो समझ में आ गया कि बतौर ईंधन कोयले का इस्तेमाल होता है, लेकिन बतौर ईंधन यूरेनियम का इस्तेमाल किस तरह से। तो इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन या जौहरी इंशिकाक का अमल किस तरह से होता है। यूरेनियम 235 के जौहर पर, जो यूरेनियम 235 है इसके जौहर पर, यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो यूरेनियम 235, इसके जौहर पर दागा जाता है न्यूट्रॉन। ये यहाँ पर यूरेनियम 235 है इसके जौहर पर, यहाँ पे ये आप न्यूट्रॉन देख सकते हैं, ये इसके जौहर पर दागा जाता है जिसकी वजह से वो यूरेनियम के हमजा में तब्दील हो जाता है। तो ये कितना हो गया, यूरेनियम 236 हो गया, एक न्यूट्रॉन जो है वहाँ पे बढ़ गया, यूरेनियम 236 अब ये यहाँ पर बन गया आप देख सकते हो। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया अब इसका। यूरेनियम 236 जो है बेहद गैर कायम पजीर होने की वजह से बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। अब यहाँ पर बन गया क्रिप्टॉन और यहाँ पे बन गया बेरियम, ठीक है, और तीन न्यूट्रॉन और तकरीबन कुछ तवानाई का अखराज एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो, और तीन न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर क्या होते हैं, अलहदा होते हैं। तो ये क्या किया गया है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, जौहरी इंशिकाक का अमल है। एक यूरेनियम के जौहर पर नाइट्रोजन दागा, न्यूट्रॉन दागा गया सॉरी, जिसकी वजह से वो यूरेनियम के हमजा में तब्दील हो गया। 235 से यूरेनियम 236 हम देख रहे हैं, एक न्यूट्रॉन वहाँ पे बढ़ गया। अब ये इसकी अनस्टेबल हालत है, गैर कायम पजीर हालत है ये। तो इस दौरान क्या होता है, वो दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। इस अमल में आज़ाद होने वाले तीन न्यूट्रॉन इस अमल को आगे भी जारी रखते हैं और वो मजीद तीन यूरेनियम 235 के जौहरों को तोड़कर तवानाई आज़ाद करते रहते हैं। इस अमल में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के दीगर जौहरों का इंशिकाक करते हैं। इस तरह जौहरी इंशिकाक का ये जंजीरी अमल जारी रहता है। ये एक चेन न्यूक्लियर फ्यूजन है जो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। जौहरी तवानाई मरकज में इस सिलसिलेवार अमल पर काबू हासिल करने के काबू हासिल करके पैदा होने वाली हरारती तवानाई से बरकी तवानाई पैदा की जाती है। देखिए ये अभी हमने इतना तो लास्ट वाले स्टेज पे देखे थे कि न्यूट्रॉन दागा गया इस यूरेनियम 235 पे, जिससे दो न्यूक्लियस बन गए बेरियम और क्रिप्टॉन। इस दौरान क्या हो गया, दो अलग अलग फ्यूजन प्रोडक्ट मिल गए, है ना, ये हमको दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गए, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन हमको मिल गया। इस दौरान तीन न्यूट्रॉन आज़ाद हुए। ये तीन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अब हर एक न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे यूरेनियम 235 पर जो है वो दागा जाता है और फिर उससे मिलकर अब यहाँ पर क्या है, ये चेन रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस दौरान फिर ये यूरेनियम दो अलग अलग न्यूक्लियस में फिर बेरियम और क्रिप्टॉन में यहाँ पे तब्दील हो जाएगा, और इस अमल के दौरान फिर यहाँ पे क्या होंगे, तीन न्यूट्रॉन्स और कुछ तवानाई का इखराज होगा। फिर ये तीन न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम पर जो है हमला करेंगे और फिर उससे वो मजीद वो टूट जाएगा। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता ही रहता है और इसे जो है इसे ही जौहरी इंशिकाक या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं।
देखिए जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी पैदावारी मरकज़ का खाका यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से होता है, यहाँ पर दरमियान में होती है जौहरी भट्टी, ठीक है, और इस जौहरी भट्टी में रिएक्टर्स होते हैं जो अभी हमने देखे चेन रिएक्शन होता है वो यहाँ होता है, काबू करने वाली सलाखें होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पंप लगे हुए हैं, पंप में जो है ये है, यहाँ पर आप भाप पैदा करने की मशीन देख सकते हैं, फिर यहाँ से ये पानी की भाप जा रही है टरबाइन में, टरबाइन की से क्या होता है पानी की भाप से ये टरबाइन घूमने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जनरेटर घूमता है और फिर जो है बरकी तवानाई पैदा होती है। इसी दौरान यहाँ पर साथ में एक और जो है पाइप यहाँ से आप देख सकते हो लगा हुआ है, यहाँ पे तकसीफी आला होता है, यहाँ पर ये कूलिंग टावर्स बने होते हैं बड़े बड़े, इसमें आप यहाँ देख सकते हो नीम गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है, और ये कूलिंग टावर्स जो है इस भाप को, जो पानी की भाप जो गर्म थी उसको ठंडा करने का काम करते हैं, और फिर ये दोबारा पानी में तब्दील होकर ये दोबारा से पानी जो है यहाँ भाप पैदा करने वाली मशीन में आ जाता है, और ये अमल लगातार जारी रहता है। जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी पैदावारी मरकज में हरारती तवानाई हासिल करने के लिए मादनी ईंधन कोयला इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए फिजाई आलूदगी का मसला बिल्कुल पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो कोयला इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना बतौर ईंधन, बल्कि ईंधन के तौर पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वाफर मिकदार में जौहरी ईंधन की फराहमी हो तो जौहरी बरकी तवानाई तवानाई हासिल करने का उम्दा जरिया हो सकता है, लेकिन जौहरी बरकी तवानाई पैदा करने के कुछ मसाइल भी हैं, यानी अगर हमें वाफर मिकदार में जौहरी ईंधन मिले जो कि क्या है यूरेनियम है जो हमने एग्जांपल यहाँ पे देखे, तो जौहरी तवानाई जो है इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने का, बरकी तवानाई हासिल करने का बहुत उम्दा जरिया बन सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जौहरी तवानाई या जौहरी जो ईंधन है या जौहरी तवानाई है इसमें आलूदगी का मसला तो पैदा ही नहीं होता, फिजाई आलूदगी नहीं होती है, लेकिन दूसरे बहुत सारे मसाइल है और कुछ दूसरी तरह की आलूदगी होती है, क्या है वो चलिए देख। अब इसमें मसाइल क्या है, जौहरी तवानाई मरकज में जौहरी ईंधन के जौहरी इंशिकाक के बाद हासिल होने वाले मादे से भी कुछ खतरनाक जौहरी शुआएं खारिज होती है, इस तरह के मादों यानी जौहरी कचरे को किस तरह जाया किया जाए ये साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। देखिए रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है इस तरह के डब्बों में डालकर, ये जो डब्बे आप देख रहे हो ना इस पर एक ट्रायंगल के बीच में निशान बना हुआ है फैन जैसा, तो ये निशान है किसका, रेडियो एक्टिव वेस्ट का। अगर इस तरह के डब्बे हमें कहीं पे नजर आते हैं जो मोस्टली येलो कलर्स के होते हैं तो हमें इसके करीब नहीं जाना चाहिए। ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, जौहरी तवानाई मरकज में जौहरी ईंधन के जौहरी इंशिकाक के बाद भी जो बचा हुआ मादा है, जो भी उसमें रिएक्टर जो हमने देखे थे एक बड़ा सा जौहरी रिएक्टर का जो है कैन जैसा था जिसमें रिएक्शन होता है, तो उस में जो बचा हुआ मादा होता है उसमें से भी खतरनाक जौहरी शुआएं खारिज होती रहती हैं। ये जो अमल है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो अमल है जौहरी इंशिकाक का, जो चेन रिएक्शन है जो हमने देखे, ये कंटिन्यू शुरू रहता है, ये खत्म नहीं होता, तो उसमें से भी कुछ जो बेकार मादे बच जाते हैं उसमें से भी जौहरी शुआएं खारिज होती रहती हैं जो कि खतरनाक होती हैं। तो उस कचरे को अब किस तरह से जाया किया जाए ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, और अक्सर जो है इस तरह से गड्ढे वगैरह खोदकर उनमें ये न्यूक्लियर वेस्ट जो है या रेडियो एक्टिव वेस्ट वहां पर डंप किया जाता है, तस्वीर में आप देख सकते हो। जौहरी तवानाई के मरकज में अगर हादसा हो जाए तो उससे खारिज होने वाली जौहरी शुआओं से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है। जौहरी तवानाई के जो ये मराकज होते हैं इसमें अगर किसी वजह से हादसा हो जाए तो जो उससे खारिज होने वाली जौहरी शुआएं जो होती हैं, जो चेन रिएक्शन है वो किसी तरह के हादसे से रुकता नहीं है बल्कि वो कंटिन्यू जारी रहता है, बल्कि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है।
चेरनोबिल डिजास्टर जो है ऐसे ही एक जौहरी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें धमाका हुआ, और फिर उसके बाद चेरनोबिल ये जो जगह है वहां पर बहुत बड़ा ये हादसा हुआ चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से, जिसे जाना जाता है जो चेरनोबिल डिजास्टर वाज कॉज्ड बाय अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट अकर्ड ऑन सैटरडे 26 अप्रैल 1986 की बात है, सन 1986 में ये हुआ था। एट द नंबर 4 रिएक्टर इन द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट नियर द सिटी ऑफ प्रिपियात इन द नॉर्थ ऑफ यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन में बिफोर एंड आफ्टर आप तस्वीर देख सकते हो, पहले वो पावर प्लांट कैसा था, धमाका हुआ, बड़ी तस्वीर आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है। धमाके के बाद जो है पावर प्लांट जो है किस तरह से था वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप लोग धमाके के बाद जो है किस तरह से पावर प्लांट था। और ये जो है इसे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये हुआ था, इसलिए इसे चेरनोबिल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। इस चेरनोबिल डिजास्टर पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं, अगर आपको जानना हो डिटेल में कि क्या हुआ था हादसा और इसके बाद में क्या इफेक्ट हुए, तो आप चेरनोबिल चिल्ड्रन आर स्टिल बीइंग बोर्न विद द सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स एंड रेयर टाइप ऑफ कैंसर इन द एरियाज नियर द चेरनोबिल अकॉर्डिंग टू अ ब्रिटिश चैरिटी 3 decades ऑन फ्रॉम द वर्ल्ड्स वर्स्ट सिविल न्यूक्लियर डिजास्टर। तस्वीरें जो है ऐसी है जो आपको देखने पर बहुत हैरानी होगी और शायद आप इन्हें देख भी ना पाए, लेकिन ये हकीकत में हुआ था। आज भी उस मकाम को वैसे तो खाली कर दिया गया है, सन 1986 में यह हादसा हुआ, कितने साल गुजर गए, सदियां गुजर गई बल्कि कहना चाहिए, लेकिन आज भी वो जो चेरनोबिल का जो इलाका है, टुडे चेरनोबिल एंड इट्स सराउंड्स आर घोस्ट टाउन, हम घोस्ट टाउन उसे कह सकते हैं, भूतिया इलाका, वहां पे अब भी लोग नहीं रहते। विथ ओनली अ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सोल्स ब्रेव इनफ टू कंटिन्यू टू लिव इन द इफेक्टेड एरियाज विच स्टिल सफर फ्रॉम द एक्सटेंसिव लेवल ऑफ रेडिएशन। आज भी वहां पर जो भी हादसा हुआ उसकी जो रेडिएशंस हैं वो आज भी वहां पर जो है मौजूद हैं, वो जौहरी इंशकाक के अमल की वजह से जो जौहरी शुआएं निकलती हैं वो आज भी जो है वहां मौजूद है, और आज भी बच्चे जो है वहां पर कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो, सिर्फ बच्चे ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि उस इलाके के अतराफ में जो जानवर थे, जहां जहां पर चेरनोबिल के अतराफ के इलाकों में जो जंगलाती एरिया था जहां पर इस रेडियो एक्टिव रेस का असर हुआ, वहां की वाइल्ड लाइफ भी इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई। जानवरों के अंदर भी जो है इस तरह की, जिस तरह से बच्चों में बर्ड डिफेक्ट्स थे, उस तरह से डिफेक्ट्स जानवरों में भी देखने के लिए मिले। तो भारत में कुछ खास जौहरी बरकी तवानाई मराकज भी मौजूद हैं जो मंदरजा ज़ैल हैं, यहाँ पर बताए गए हैं, और आपसे कहा गया है कि इन मकामात की रियासत और इनमें पैदा होने वाली बिजली की गुंजाइश लिखिए, तो ये आपको खुद लिखना है। मकाम क्या दिया है, कंडनकलम, ठीक है, कुडनकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो, मैप में बताया गया ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, गुंजाइश मेगावाट्स में आपको खुद लिखनी है। तारापुर कहाँ है, हमारे महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आपको ये तमाम दूसरे और जो मकाम दिए गए हैं इनकी रियासतें ढूंढनी है और फिर इनकी गुंजाइश कितनी है वो लिखना है। तो हमें क्या समझ में आया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है ये फायदा मंद तो बहुत है, इससे फिजाई आलूदगी नहीं हो रही, लेकिन अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो उसके असरात सदियों तक देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कुदरती गैस पर मुनहसिर बरकी तवानाई मर। इस तरीके में कुदरती गैस के एहतराक से पैदा होने वाले ऊंचे दर्ज हरारत और दबाव की गैस से घूमने वाले टरबाइन इस्तेमाल होते हैं। कुदरती गैस की तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई की बनावट जो है यहाँ पे खाके में दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुदरती गैस से आतिशी खाना, ऊंचे दबाव वाली हवा का कंप्रेसर इससे लगा होता है जिससे गैस से चलने वाले टर्बाइन जुड़े हुए होते हैं, और फिर कुदरती गैस के एहतराक से
टर्बाइन घूमने लगते हैं जिससे जनरेटर जुड़े होते हैं और फिर उससे बरकी तवानाई पैदा की जाती है। और ये कुछ प्लांट्स की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नेचुरल गैस पावर प्लांट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। कुदरती गैस की तवानाई पर मुनहसर बरकी तवानाई मरकज में तीन अहम हिस्से होते हैं। कंप्रेसर की मदद से आतिशी खाने में ज़्यादा दबाव की हवा दाखिल की जाती है। यहाँ कुदरती गैस और हवा एक साथ मिलते हैं और इनका एहतराक किया जाता है। इस खाने से आने वाली बेहद ऊंचे दबाव और तपिश की गैस की वजह से टरबाइन के पंखे घूमते हैं। टरबाइन से जुड़े जनरेटर के घूमने से बिजली पैदा होती है। कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई मरकज में तवानाई की मरहला वार जो तब्दीली है वो बताई गई है। तस्वीर में आप देख सकते हो कुदरती गैस में मौजूद कीमियाई तवानाई उससे तब्दील हो रही है तवानाई दूसरी सूरत में। कौन सी कुदरती गैस के एहतराक से पैदा होने वाली तवानाई बिलहरकत, फिर उससे तब्दील हो रही है टरबाइन में मौजूद तवानाई बिलहरकत और फिर उससे तैयार हो रही है हमारी बरकी तवानाई। कोयले से चलने वाले बरकी तवानाई मरकज के मुकाबले कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई मरकज के काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुदरती गैस में सल्फर की गैर मौजूदगी से इसके एहतराक से आलूदगी कम होती है। खाका जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हवा कंप्रेसर से दाखिल की जा रही है अंदर। और ईंधन, ईंधन क्या है, हमारी कुदरती गैस है, आतिशी खाना से जुड़ा हुआ है। हवा कंप्रेसर से देखिए वो भी आतिशी खाना जुड़ा है, उससे जनरेटर जुड़ा है। गैस टरबाइन आप देख सकते हो बाहर खारिज होने वाली गर्म हवा, गैस टरबाइन से जनरेटर जुड़े हुए हैं और जनरेटर से बरकी तवानाई हासिल की जा रही है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो फ्यूल दिया हुआ है, फिर फ्यूल वॉल्व और स्पीड कंट्रोल के लिए भी वहाँ पे मौजूद होते हैं एयर यानी हवा कंप्रेसर और फिर कंबशन चेम्बर आतिशी खाना जिसे हम कहते हैं, गैस टरबाइन, उससे एग्जॉस्ट एमिशंस बाहर निकलने के लिए गर्म हवा का रास्ता, फिर रिडक्शन गियर और वहाँ से फिर जनरेटर जुड़े हुए होते हैं और फिर वहाँ से एसी पावर यानी बरकी तवानाई हासिल की जाती है। और जैसे कि बताया गया कि कोल के मुकाबले में बहुत कम जो है आलूदगी होती है, गैस से चलने वाले कुदरती गैस से चलने वाले जो पावर प्लांट्स होते हैं 60% लेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस दौरान खारिज होती है यानी आलूदगी कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेचुरल गैस वर्सेस कोल, नेचुरल गैस इज द लीस्ट कार्बन इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल, सॉरी कोल इज द हाईएस्ट कार्बन इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल, जिसमें इसमें कोल में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब ज़्यादा होता है, नेचुरल गैस में कम होता है। पावर प्लांट दैट यूज नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ कोल प्रोड्यूस 19x लेस सल्फर डाइऑक्साइड यानी 90 गुना कम सल्फर डाइऑक्साइड, 5 गुना कम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तकरीबन 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड इस दौरान खारिज होती है। किसमें, नेचुरल गैस पावर प्लांट्स में। तो नेचुरल गैस पावर प्लांट्स जो होते हैं वो कम नुकसानदा होते हैं, कम फिजाई आलूदगी होती है, जबकि कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट्स होते हैं उससे फिजाई आलूदगी बहुत ज़्यादा। भारत में कुछ खास कुदरती गैस पर मुनहसर बरकी तवानाई मराकज़ और उनकी पैदावार गुंजाइश दी गई है। मकाम है सिमरल कोटा, रियासत आंध्र प्रदेश, गुंजाइश है तकरीबन 2620 मेगावाट्स। फिर उसके बाद अंजन वेल महाराष्ट्र में है, ये 2220 मेगावाट, बवाना दिल्ली में 1500 मेगावाट और कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में 1466 मेगावाट। इसे हमेशा जहन में रखिए कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई का इस्तेमाल ना गुज़ेर है, यानी इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमें तवानाई का इस्तेमाल करना ही करना है हर हालत में। फिर भी ज़रूरत के मुताबिक हमें एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमने देखे ना कितनी सारी किस्म के अलग अलग पावर प्लांट्स होते हैं, कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स अलग है, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन पर चलने वाले जो है अलग है, न्यूक्लियर प्लांट्स अलग होते हैं, नेचुरल गैस से चलने वाले प्लांट्स अलग होते हैं। इस दौरान जो है कितनी ज़्यादा फिजाई आलूदगी हो रही है, कितने ज़्यादा जो है ईंधन दरकार होता है, कितने ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स जो है बनाए जाते हैं, कितना सरमाया लगता है जो है ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो हमें तवानाई की ज़रूरत तो है ही, लेकिन हमें
का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। सेविंग एनर्जी इज ईजी एट होम एंड एट वर्क, यानी एनर्जी को सेव करना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारा काम हो गया तो हमें क्या करना है, उस कमरे की लाइट और पंखों को बंद कर देना है। जब हम अपने क्लास के बाहर निकल रहे हैं, छुट्टी हो गई है, लाइट और पंखे बंद कर दीजिए। कॉरिडोर से गुजरते वक्त लाइट और पंखे बंद कर दीजिए। अगर आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे बस ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है लाइट की ज़रूरत नहीं है, पंखे जल रहे हैं, तो आप वहाँ पर बटन लगे हुए होते हैं, आपको क्या करना होता है, सिर्फ उन्हें बंद कर देना है। क्योंकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो हमारा भी उसमें नुकसान हो रहा है, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम टैक्स देते हैं, आप बच्चे भी टैक्स देते हैं। पता है आपको, आप एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी अगर खरीदते हैं, भले से वो 2 रुपए का हो, या आप एक रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हैं, तो कभी उसको पलट कर देखना, पीछे वहां पर लिखा होता है कि इतना टैक्स, वहाँ पे टैक्स की वैल्यू लिखी हुई होती है। एक छोटे से 5 रुपए की बिस्किट के पैकेट के पीछे भी हम टैक्स अदा कर रहे होते हैं, और इसी टैक्स से फिर ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चलती हैं, उनमें चलने वाले जो बिजली के सामान हैं वो चलते हैं। तो अगर वहाँ बिजली ज़ाय हो रही है, मतलब हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, तो हमें उसको इस तरह से ज़ाय होने से बचाना है, हमें एनर्जी को सेव। Your finger has the power to conserve the energy. आपके फिंगर में ये पावर है। कैसे है पावर? आपको सिर्फ क्या करना है, स्विच को बंद कर देना है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, सेव वर्ल्ड। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम देख रहे हैं कि कुदरती गैस इस्तेमाल की जाती है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है भाप की मदद से जनरेटर्स को घुमाने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी हम कितना सारा जो है, इतने सारे वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हमें क्या करना है, इसको ज़ाय होने से बचाना है। और इस तरह से आपका भी फायदा है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। बरकी पैदावार का कौन सा तरीका माहौल दोस्त है और कौन सा नहीं है? अभी हमने इतने सारे तरीके देखे हैं ना, ये हमारा 3rd वीडियो था इस टॉपिक पर। तो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो दोबारा देखिए और सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के ये जितने भी हमने पावर प्लांट्स देखे, इनमें से कौन सा तरीका जो है वो माहौल दोस्त है। देखिए, हर तरीके में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है इनमें से कौन सा है वो आपको सोचना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, ठीक है, ऐसे थम्स अप का जो निशान है उस पर आपको क्लिक करना है, और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।